अटैचमेंट नहीं, कहाँ से आया? बाप अभी निर्भय ही है, तुम्हारी माँ कह रही है माँ के बच्चों के साथ जाना नहीं है, बच्चों में वो है वो नहीं मेरे से भी ज्यादा मोह बच्चों में। अरे अरे उम्र 9 नहीं बजेगा क्या? मैं जा रही हूँ 9 नहीं बजे होगी जी के पहले तो आप आ गए नीचे की बोलो इनमें मैं 10 बजे आया ऊपर भी ऐसा है ना बाबू 10 बजे नहीं आया तो ज्यादा तो जो है ना वो तो गलत भी सुन लिया है। धीरे धीरे प्यार भी मोह में कन्वर्ट होता है, ज्यादा प्यार मोह है, प्यार लिमिट होता है। पवित्र प्यार कैसा? पवित्र प्यार में मोह नहीं होता। मोह जैसे एकदम बेहद का बाप आकर आया तो जब उसको उसको प्यार नहीं कहेंगे, उसको मोह कहेंगे, मेरे बच्चे जीव रहे हैं, उसको प्यार नहीं। प्यार जब अति प्यार होता है तो मोह बन जाता है, अति प्यार। प्यार को ही मोह कहते हैं, वास्तव में देखा जाए तो उसको कहेंगे। अगर प्यार ना हो तो मोह होगा। मोह और प्यार में थोड़ा फर्क है। एक प्यार है, जैसे एक डॉक्टर है अपने दर्दी से अपनी ड्यूटी करता है तो उसमें ड्यूटी का प्यार है। क्या ड्यूटी का प्यार है? यहाँ भी तुम्हारे रूहानी बाप आकारी बाप जो है वो ड्यूटी करता है, मगर मोह नहीं है। साकारी बाप में मोह है, बच्चों का मोह है। मोह है तब तो चार चार दर्द मिलने आता है, बाकी क्यों आएगा? मोह तो ना उनका अपने रूम में खाते थे एसी चला के सो जाएगा, बच्चे आएंगे कोई बात नहीं। बच्चे जब एक बात है, बच्चे जब याद करते तो बाप को वाइब्रेशन वहां पर वो रह नहीं पाए। वो तो तुम्हारे शरीर को देखता भी नहीं, वो तो आत्मा को देखता है। बाप भी तुम्हारी आत्मा को देखता है, को नहीं देखता है। केवल केवल साकारी बाप नहीं है, वो वेद में अवैध स्वरूप धारण करके हमेशा एवर रेडी होता है, एवर रेडी होता है। ऐसा लगता है अंदर उसके पावर का जो घोट निकल रहा है वो आप बच्चों को देने के लिए आते हैं। यहाँ भी जब बच्चे आते हैं तो बार बार बाप सामने क्यों आता है? उसको जब 5 मिनट भी बैठ के जाएगा बच्चों को भरपूर पावर का ओवर ठीक करके जाएगा,
ये दो चार घंटे पावर कम हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते जाएगा, 5 मिनट में पूरा हॉल भर जाएगा, पूरा पावर भर जाएगा। ये मोह नहीं कहेंगे, मोह नहीं कहेंगे, मगर प्यार कहेंगे। अच्छी चीज है, अगर हम उसको देखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, क्या है? देखो एक बात बताऊँ, एक फूल बातों में क्या है, एक रूह गुलाब है, रूह गुलाब है, उसकी खुशबू अच्छी लगती है, देखने में अच्छा लगता है, तो उसके प्रति आकर्षण है, मगर ये मोह नहीं है, आकर्षण है, प्यार है, फूलों से प्यार है, फूलों से प्यार है। ऐसा बाप को क्या होता है, ये बच्चों से प्यार है, आकर्षण है, आकर्षण में खींचते है, ये खींचते है, ग्रेविटी फोर्स है ना, मगर उसको मैं थोड़े उसमें मोह भी अंश मात्रा में भी मोह मानता हूँ, मैं इसके मानता हूँ मोह, उसके अंदर थोड़ा सा भी अंश मात्र भी मोह आ गया, इस कला वाले बाप में अंश मात्र में भी मोह आ जाए, इस कला वाले तभी वो आएगा ना, बाकी आएगा अंश मात्र, कि मेरे बच्चे जा रहे हैं, डूब रहे, नीचे गिर रहे, मैं जाके बचा, तो मेरे बच्चे जहाँ मेरे बच्चे आए, मेरा कहना माना मोह, मेरा कहना माना मोह, प्यार तो है मगर प्यार एक्सेस हो जाए, ये सब प्यार है, आपस में प्यार है, मगर अंदर में अति सूक्ष्म में मोह होता है, अति सूक्ष्म। इसका निवारण ये है, मैं बताऊं इसका निवारण जो है, देखो बच्चों में मोह होना जरूर से थोड़ा सा प्यार होना जरूरी है, मगर अति कोई जैसे कोई देह और देह का संबंधी मर जाए तो 15-15 दिन तक खाना नहीं, रोना है, ते रहना, ये मोह है, ठीक है, मदर फादर है, बीमार है, शरीर छूट जाए तो खुशी होना चाहिए, जो देह और देह के संबंधों को मर्यादाओं में रखता है वो प्यार है, वो दुख नहीं, जो जहाँ दुख मिलता है वहां मोह है, जहाँ प्यार नहीं दुख देता, प्यार है वहां दुख नहीं, जैसे मुझे प्यार है तुमसे, अगर तुम जाते हो तो थोड़ा, तुम जब जाते हो तो मन में थोड़ा होता है, तो वो मोह हो गया, वो मोह हो गया, थोड़ा अंश मात्र में जाते हो तो मन को थोड़ा होता है, मन को थोड़ा होता है कि सब बच्चे अब चले गए, अब 4 महीने आएंगे, ये अंश मात्र मोह है, प्यार होना आवश्यक है, मगर बहुत ज्यादा मोह होना, तो मैं रोने बैठ जाऊं, नहीं मेरे बच्चे गए, ये भी मोह है, ये थी वो। अब इसका निवारण क्या है? एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरा है, आपने जो बोला नहीं है, आपको कल को पता लगेगा इतने दुखी है इसी वजह से, तो आप दुखी हो गए? ना नहीं हो, नहीं किसके कारण हम बोलते हैं, मैं ऐसा है, तो ऐसे जैसे हमारे भाई बहन को दुखी होंगे या माँ बाप ऐसा है, मैं बताऊं, परिवार में अगर अशांति हो जाए और इसका कारण कोई भी कर्मों का कारण अशांति बन जाए तो उसका निवारण हो सकता है हमेशा, यानी क्या करेगा, कर्मों के कारण जो भी दुख आया उसका निवारण क्या है, उसका निवारण क्या है, उसको सदा दो, ज्यादा ज्यादा पावर दो, योगदान करो, क्या करो, योगदान करो, उसको ज्ञान दो, समझाओ, ताकि इसका लौकिक उपाय एक बात बताऊं, कि समझो कोई भी बच्चा हो, अब वो अपने परिवार में अपनी पत्नी से दुखी हो, परिवार से दुखी हो, पड़ी हो, अब क्या हम तो लौकिक में मैं राय कभी देता ही नहीं, लौकिक में कोई राय देता नहीं, मैं बहुत गुस्से हो जाऊं तो मैं क्या, दोनों की बनती नहीं हो तो डाइवर्स ले लो और क्या करूं, मैं ये कहता जब दोनों की ना मने तो डाइवर्स ले लो, करो अलग हो जाओ, मतलब शांति से रहो ना, कम से कम क्या कहूंगे, रोज की लड़ाई खत्म हो जाए, रोज की लड़ाई परमानेंट सोल्यूशन नहीं बनती है, तू तेरे रखते, तू तेरे रखते,
दो अलग हो जाओ, क्या करो? मैं इसमें मानता हूँ, ये मेरा थॉट्स है, मैं इसमें मानता हूँ, इसलिए तो अभी तो किसी की बनती नहीं है।